लेट्स नाउ डिस्कस बजट्स. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मटेरियल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया करता है जिसमें आपसे बजटेड परचेजेस कैलकुलेट कराई जाती. आपको डेटा दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी को कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज करना चाहिए. हम सबको पता है कि हमें मटेरियल प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है. कितना मटेरियल परचेज करना चाहिए डिपेंड करता है कि हम कितना मटेरियल यूज़ करने लगे हैं, और कितना मटेरियल हम यूज़ करने लगे हैं ये डिपेंड करता है हमारी प्रोडक्शन पे, हमारे एक्टिविटी लेवल पे. तो सबसे पहला काम बिजनेस को ये करना है कि अपनी प्रोडक्शन प्लान करें, जिसको हम प्रोडक्शन बजट कहते हैं. सो हम कितने यूनिट्स बनाएं ये डिपेंड करता है कि हमें कितने यूनिट्स आगे सेल करने हैं, यानी हमारी डिमांड, सेल्स डिमांड कितनी है. तो हमें पहले सेल्स फोकास्ट करनी होती है. जब हमें यह पता चल जाता है कि हमें कितने यूनिट्स बेचने हैं, तो डेफिनेटली हमें उतने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे ताकि हम वो यूनिट्स बेच सकें. कभी कभार कंपनी चाहती है कि बेचने के साथ साथ एंड ऑफ द पीरियड हमारे पास कुछ स्टॉक बच भी जाए एहतियातन फॉर द नेक्स्ट पीरियड. तो हम सिर्फ उतना नहीं बनाते जितना हम सेल कर पाते हैं, बल्कि हम उसमें जितना हमें क्लोजिंग के तौर पर बचाना है स्टॉक, उसको हम अपनी सेल्स में ऐड करते हैं, और फिर हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी आ जाती है कि हमें इतना प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि उसमें से हम एक पोर्शन सेल कर सकें और एक पोर्शन हम बचा सकें फॉर द नेक्स्ट पीरियड. लेकिन जाहिर है बिजनेस के पास हो सकता है कि पहले से भी कुछ यूनिट्स पड़े हुए हों, तो उसकी टोटल रिक्वायरमेंट तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक है. लेकिन अगर उसमें से कुछ यूनिट्स पहले से पड़े हुए हैं तो फिर वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वो माइनस हो जाएंगे ओपनिंग स्टॉक जिसे हम कहते हैं. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं फिगर से. लेट्स से एक बिजनेस ने एस्टिमेट किया है कि उसको 12,000 यूनिट्स बेचने हैं जनवरी के महीने में. उसको ये देखना है कि जनवरी के महीने में प्रोडक्शन कितनी करें. जाहिर है जब 12,000 बेचना है तो 12,000 प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा. सो 12,000 उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा. लेकिन कंपनी साथ साथ ये चाहती है कि जब जनवरी का महीना ख़त्म हो तो 3,000 यूनिट्स का स्टॉक बच भी जाए. अब 12,000 बेचने हैं और 3,000 बचाने हैं, तो इसके लिए कंपनी को 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ताकि उसमें से 12,000 बेच सकें और 3,000 क्लोजिंग में बच सकें. लेट्स से उस कंपनी के पास जनवरी के शुरू में, यानी दिसंबर के एंड पर, उसके पास 1,000 यूनिट्स पहले से पड़े हुए हैं जो दिसंबर में प्रोड्यूस किए होंगे और रखे होंगे स्टॉक में. तो 1,000 तो पहले से पड़े हुए हैं. अब आउट ऑफ 15,000 अगर 1,000 यूनिट्स पहले से पड़े हुए हैं तो फिर उसको सिर्फ 14,000 यूनिट्स बनाने पड़ेंगे. उन 14,000 यूनिट्स में जो पहले से 1,000 पड़े हुए हैं वो भी ऐड हो जाएंगे और टोटल हो जाएगा 15,000. 15 में से 12,000 वो बेच देंगे और 3,000 बच जाएंगे अगले महीने के लिए. सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट प्रोडक्शन बजट, और वी कैलकुलेट बजटेड प्रोडक्शन. उसके बाद कितना यूज करेंगे मटेरियल, ये तो तय हो गया कि हम 14,000 यूनिट्स बनाने जा रहे हैं जनवरी में. अब इन 14,000 पर कितना यूज होगा ये डिपेंड करता है एक यूनिट पे कितना यूज होगा. प्रोडक्ट का डिजाइन जैसा होगा, हमारे प्रोडक्ट इंजीनियर्स हमें बता देंगे कि एक यूनिट पर कितना रॉ मटेरियल यूज होता है, जिसको हम स्टैंडर्ड यूजेज पर यूनिट कहते हैं. तो हम अपनी 14,000 यानी बजटेड प्रोडक्शन को पर यूनिट जो यूजेज होती है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. लेट्स अज्यूम कि एक यूनिट पर 2 kgs लग रहे हैं. ये हर प्रोडक्ट पे डिफरेंट होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा. सो 14,000 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव यू कि हमने यूज कितना करना है रॉ मटेरियल. सो इट्स 28,000 किलोग्राम्स. यानी हम जनवरी के महीने में जब 14,000 यूनिट्स बना रहे होंगे तो उस पर हम 28,000 किलोग्राम्स यूज़ करेंगे. ये है बजटेड यूजेज या यूजेज बजट. अब इसकी बेस पर हम परचेजिंग करेंगे. जाहिर है जब हमें 28,000 किलोग्राम्स यूज़ करने हैं तो हमें 28,000 किलोग्राम्स परचेज करना पड़ेगा. लेकिन जिस तरह हम फिनिश गुड्स का स्टॉक ऊपर बचाना चाह रहे थे, इस तरह हम रॉ मटेरियल का स्टॉक भी बचाना चाह रहे होंगे. तो अगर बचाना चाह रहे हैं जितना, तो रॉ मटेरियल का फिनिश गुड जो है, रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक, वो हम अपने बजटेड यूजेज में ऐड कर देंगे.
और जिस तरह फिनिश गुड का स्टॉक हमारे पास अगर पहले से पड़ा था तो हम माइनस कर रहे थे, इसी तरीके से अगर हमारे पास रॉ मटेरियल का भी स्टॉक पड़ा हुआ है तो हम माइनस कर देंगे. लेट्स से यूजेज तो हमने कैलकुलेट कर ली थी 28,000, सो 28,000 हमें परचेज करना है, लेकिन साथ साथ हम चाहते हैं कि रॉ मटेरियल के 2,000 किलोग्राम्स जनवरी के एंड पे हमारे पास पड़े हुए हों. तो अगर हम चाहते हैं कि 2,000 किलोग्राम्स हमारे पास पड़े हों तो हमें 30,000 किलोग्राम्स परचेज करने पड़ेंगे, क्योंकि 28,000 तो यूज़ हो जाएंगे. सो अगर हम 30,000 परचेज करेंगे तो ही हम इस पोजीशन में होंगे कि हम 2,000 उसमें से बचा सकें आफ्टर यूजिंग 28,000 किलोग्राम्स. लेकिन लेट्स से हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास पहले से 5,000 किलोग्राम्स पड़े हुए हैं, तो 30,000 में से अगर 5,000 किलोग्राम्स पहले से पड़े हुए हैं तो वो हमें नहीं परचेज़ करने की ज़रूरत, तो हम वो माइनस कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा कि हमें कितने केजीज़ परचेज करने हैं. इट्स नॉट यूनिट्स, इट्स किलोग्राम्स, मिस्टेक. सो 25,000 किलोग्राम्स हमें परचेज करना होगा रॉ मटेरियल का ताकि हमारी ज़रूरत पूरी हो सके. ये थे मटेरियल के बजट्स. अब इसमें जो वेरिएशन क्वेश्चंस के अंदर आ सकती है ज़रा उसको समझ लीजिए. इस क्वेश्चन को ज़रा आप देखिए, क्लोजिंग स्टॉक कहा जा रहा है फिनिश गुड का कि 3,000 है और पहले से 1,000 पड़े हुए, यानी पीरियड के एंड पे कंपनी के पास फिनिश गुड्स 1,000 था और पीरियड के एंड पर 3,000 था. इसका मतलब कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर ये प्लान किया हुआ है कि वो अपना स्टॉक लेवल 1,000 से पीरियड के एंड तक 3,000 पे लाना चाह रहे हैं, स्टॉक लेवल बढ़ाना चाह रहे हैं. सो ये इंक्रीज करने चाह रहे हैं स्टॉक लेवल को, इंक्रीज. अच्छा, अब इंक्रीज बाय कितना, इन दोनों का डिफरेंस 2,000. सो कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, इंक्रीज और डिक्रीज जो स्टॉक में लाना है वो दे देता है, ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं देता. तो आपने सिंपली क्या करना है, जितनी आपकी सेल्स हो उसमें जितना इंक्रीज करना चाह रहे हैं वो आप ऐड कर दो, या डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो वो आप लेस कर दो. तो अगर आप इसको गौर से देखें, सेल्स थी 12,000 और फिनिश गुड का स्टॉक 2,000 बढ़ाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अपनी प्रोडक्शन अपनी सेल्स के मुकाबले में 2,000 ज़्यादा करनी है ताकि आपका स्टॉक बढ़ जाए. सो आप इंक्रीज इन स्टॉक को आप ऐड करो. तो 12,000 में अगर आप डायरेक्टली 2,000 ऐड कर दो तो वही आंसर आएगा 14,000. तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक दोनों दे. तो आपने गौर से क्वेश्चन रीड करना है और ये देखना है कि क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया हुआ है, फिर तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दें. और अगर वो कहता है डिक्रीज या इंक्रीज करना है स्टॉक, तो फिर जितना इंक्रीज करना है उतना आप अपनी सेल्स में ऐड कर देंगे, प्रोडक्शन आ जाएगी. इसी तरह का काम आपने परचेज बजट में भी करना है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा यहां पर रॉ मटेरियल की बात हो रही होगी और ऊपर फिनिश गुड की बात हो रही है, तो यहां आपने वही काम रॉ मटेरियल का करना है. तो जब आप यूजेज बजट परचेज बजट बनाओगे तो आपको देखना है रॉ मटेरियल का स्टॉक को वो कितना इंक्रीज और डिक्रीज करना चाह रहा है. जैसे इस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल क्लोजिंग में वो रखना चाह रहा था 2,000 और ओपनिंग में था 5,000. सो 5,000 यानी पीरियड के स्टार्ट में था, जिसको वो रिड्यूस करना चाहते हैं पीरियड के एंड में 2,000 तक, यानी कितना डिक्रीज करना चाह रहे हैं, 3,000 डिक्रीज करना चाह रहे हैं. सो 3,000 किलोग्राम डिक्रीज करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे, डिक्रीज को माइनस करोगे. किस में से करोगे माइनस, आप यूजेज में से. तो अगर आप यूजेज में से 3,000 माइनस कर दें तो 28,000 इज यूजेज और 3,000 उसमें से माइनस कर देंगे तो सेम 25,000 आएगा. और अगर इंक्रीज करना चाह रहे होते तो आप उसको एड करते. सो ये थे बजट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.